नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इंदौर से बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक प्राइवेट कॉलेज बीएम कॉलेज की फार्मा डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को उनके ही कॉलेज के एक छात्र ने जिंदा जलाया। ये खबर ही बहुत ही शॉकिंग है। जो प्रिंसिपल है वो 80 से 90% जल चुकी है और उनकी हालत बेहद ही गंभीर है। अब इसके पीछे की वजह वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये हुआ कैसे पहले वो बताते हैं। कॉलेज ख़त्म हो चुका था, उसके बाद विमुक्ता शर्मा पार्किंग की ओर अपनी गाड़ी लेने जा रही थी, तो वहाँ उन्होंने देखा कि बेल पत्र के पेड़ हैं और वो पत्ते तोड़ने लगी। तभी अचानक से 24 साल का आशुतोष, जो उन्हीं के कॉलेज का पुराना स्टूडेंट है, वो वहाँ पहुँचा और पलक झपकते ही उसके हाथ में एक डिब्बा था और डिब्बे में था पेट्रोल, और वो उसने अपनी प्रिंसिपल पर छिड़कना शुरू कर दिया और फौरन ही लाइटर से आग लगा दी। ये कुछ ही सेकंड का फासला था जिसमें ना विमुक्ता शर्मा को कुछ समझ आया कि क्या हुआ, और आशुतोष जलाने के बाद वहाँ से फरार हो गया। जब विमुक्ता शर्मा चिल्लाई, क्योंकि आग से झुलसने का जो दर्द होता है वो बहुत ही यूँ कहें सबसे ज़्यादा होता है, तो आसपास के जितने भी सिक्योरिटी थी, जो भी स्टाफ था, वो भागकर उनके पास आया, आग बुझाने की कोशिश की और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब आशुतोष ये घटना करने के बाद वहाँ से भागा तो उसके हाथ और उसका सीना काफ़ी जल चुका था। उसके बाद वो खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। उसने ये बयान में कहा कि वो आत्महत्या करना चाहता था अपनी प्रिंसिपल को जलाकर जान से मारने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रिंसिपल को हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ, हालांकि हालत तो गंभीर है, पर शायद उन्हें बचा लिया जाए। आशुतोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, वो भागने की बहुत कोशिश कर रहा था पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी ने बताया कि वो 7th सेमेस्टर में फेल हो चुका था, जिसके बाद उसने री एग्ज़ाम दिए, लेकिन उसको मार्कशीट नहीं मिल रही थी, जिससे वो काफ़ी परेशान था और परेशानी उसकी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर उसने अपनी प्रिंसिपल को ही जलाने की ठान लिया और उसने जलाया भी। पुलिस ने बताया कि आशुतोष पहले भी कई ऐसी हरकतें कर चुका है, उसने अपने ही प्रोफेसर पे चाकू से कई बार हमला किया है, प्रिंसिपल को कई और तरीके से परेशान करने की कोशिश की है, उसे पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था। अब उससे और पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड भी काफ़ी ऐसा ही था कि ऐसी हरकतें वो पहले भी कर चुका है, जिसके बाद उसने इतना बड़ा कदम उठाया। उसके बाद प्रिंसिपल की हालत काफ़ी गंभीर है, इसलिए वो बयान देने की हालत में नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और कुछ इस बारे में आगे की बात कह पाएंगी। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है और आशुतोष से भी पूछताछ चल रही है। धन्यवाद।